प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कोरल ड्रॉ एप्लीकेशन विंडो। कोरल ड्रॉ एप्लीकेशन विंडोज के जो विभिन्न प्रकार के जो उपकरण हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। कोरल ड्रॉ के वो सारे उपकरण जिनकी हेल्प से हम इसके अंदर काम करते हैं, और काम वही जो मैंने आपको बताए हैं। क्या क्या बनाएंगे हम इसके अंदर? लोगोस बनाएंगे, एनिमेशंस बनाएंगे। बनाते कैसे हैं, उसके लिए इसके इन्वायरमेंट के बारे में जान लेना पहले बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इन सबको शुरू करने से पहले हम कोरल ड्रॉ को स्टार्ट कर लेते हैं। कोरल ड्रॉ मैंने आपको 13 वाला वर्जन दिखाया था लास्ट, ठीक है। अब हम जो यूज़ करने जा रहे हैं वो कोरल ड्रॉ का एडवांस वर्जन है, यानी कि 2020 का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है कोरल ड्रॉ का। उसको हम कर लेते हैं शुरू, ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं उसको, ठीक है। कोरल ड्रॉ 2020, ये थोड़ा सा हैवी है सॉफ्टवेयर, तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये एनवायरनमेंट को तैयार करने में, ठीक है। एनवायरनमेंट उसी को बोलते हैं जिसके अंदर रह के हम अपना काम, इस एनवायरनमेंट के अंदर रह के हम काम करेंगे कोरल ड्रॉ के अंदर, ठीक है। अब सबसे ये तो है इसका वेलकम पेज कोरल ड्रॉ का, ठीक है। अब नया पेज जिसके ऊपर हमने काम करना है वो आएगा यहाँ से, ठीक है। ये पहले तो यहाँ पे अननेम्ड है, अनटाइटल्ड वन आ रहा है डिफॉल्ट। यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ प्रोजेक्ट लोगो, ठीक है। प्री सेट इसके जो भी हैं डिफॉल्ट वही रहने देते हैं। नंबर ऑफ पेजेस जो हैं उसको जो भी है डिफॉल्ट वही रहने देते हैं। अंदर जाके हम बहुत सारे पेजेस क्रिएट कर सकते हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। जो इसका प्राइमरी कलर मोड है वो CMYK है, उसको रहने देते हैं। पेज साइज लेटर में रहने देते हैं। अब इसका जो पिक्सल साइज है वो यहाँ पे हम ये पेज की मेजरमेंट है, चाहे आप इंचज में रख लो, मिलीमीटर्स में रख लो, पिक्सल जो भी है अपना रखना है, पिक्सल में रखो, टाइप्स फीट्स में रख लो, यार्ड में, माइल्स में रख लो, ठीक है। इंचज और पिक्सल्स में ही हम लेते हैं, तो इंचज ही ठीक है वैसे, ठीक है। और उसके बाद आगे पेज की स्थिति कि पेज किस तरह का रखना है हमने, जिसके ऊपर काम करना है, उसकी ओरिएंटेशन, उसकी स्थिति कैसी होनी चाहिए, खड़ी अवस्था में लेना पेज या पड़ी अवस्था में, ठीक है। रेजोल्यूशन जो है वो 300 dpi डिफॉल्ट है, स्टैंडर्ड साइज है, तो इसी को रहने देते हैं डॉट पर 300, ठीक है। RGB प्रोफाइल जो है उनको रहने देते हैं, फिलहाल हम लर्नर्स हैं, बिगनर्स हैं, तो इसी को रहने देते हैं और करते हैं हम ओके, ठीक है। ये आ गया हमारे पास पेज, ठीक है। अब सबसे पहले हमारा जो पॉइंट आता है इसमें वो है टाइटल बार। द टाइटल बार विल डिस्प्ले द टाइटल ऑफ द ओपन्ड फाइल और प्रोग्राम। अब जो टाइटल बार है वो टाइटल दिखाता है जो भी हमने फाइल या प्रोग्राम ओपन किया होता है, यानी कि जो भी पेज हम जिस प्रोजेक्ट का काम कर रहे हैं उसका नाम डिस्प्ले करेगी हमारी टाइटल बार। और ठीक ये यहाँ ऊपर है जो हमने नाम रखा था ना इसका प्रोजेक्ट लोगो, ये आ रहा है उसका नाम, फाइल का नाम, उस प्रोग्राम का नाम, ठीक है, प्रोजेक्ट लोगो। अब सेकेंड पे आता है मेनू बार। दी मेनू बार कंटेन डिफरेंट मेनू ऑप्शंस विद कमांड। अब ये जो मेनू बार होती है वो कंटेन करती है, मतलब इसके अंदर होते हैं तरह तरह के मेनू ऑप्शन, वो भी कमांड के साथ, जिससे हम कमांड से हम काम करते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैं मेनू बार दिखा देता हूँ। ये है हमारी मेनू बार जिसके अंदर सारी की सारी ऑप्शन रहेंगी। अब देखो न्यू से तो न्यू पेज बनता है, जैसे MS Word पावर पॉइंट के अंदर बनता था, ओपन से ओपन होती है फाइल, क्लोज से क्लोज हो जाता है, सेव सेव करने के काम आता है, ठीक है। इसमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की भी फैसिलिटी है, पिक्चर्स वगैरह इम्पोर्ट करनी हो, एक्सपोर्ट करनी हो, या प्रोजेक्ट को जो आप कर रहे हैं, कट कॉपी पेस्ट वाले कमांड एडिट के अंदर। और इसके अलावा बहुत सारे मेनूज हैं और ये कमांड्स हैं जिनको हम एक एक करके सीखेंगे, ठीक है। इफेक्ट्स, जब हम ग्राफिकल वो एनिमेशन बनाएंगे उसमें इफेक्ट कैसे डालेंगे, बिट मैप्स, टेक्स्ट टेबल टूल्स, विंडोज, ठीक है, ये सारी चीज़ें तब यूज में आ जाएंगी। पर फिलहाल हमारे जानने के लिए और आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए ये है हमारी मेनू बार, कोरल ड्रॉ की मेनू, ठीक है। अब थर्ड पे आते हैं हमारी प्रॉपर्टी बार। द प्रॉपर्टी बार कंटेन प्रॉपर्टीज फॉर द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। अब जो प्रॉपर्टी बार होती है वो तरह तरह की जो प्रॉपर्टीज होती हैं जो भी हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए होते हैं उनको दिखाती है, उनकी प्रॉपर्टीज कंटेन करती है। ऑब्जेक्ट हम किस चीज को बोल रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो ये जो नजर आ रही है हमें यहाँ पे, ये बड़ा सा इसको बोलते हैं हम टूल बॉक्स, और इसके अंदर हैं सारे के सारे टूल्स। जैसे हम इस टूल को इस तरह से पिक करते हैं और यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो उसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट, और हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी होती है प्रॉपर्टीज। ये है हमारी
प्रॉपर्टी बार, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी दिखा रही है। इसकी जो आउटलाइन है वो ब्लैक कलर की है, आउटलाइन बदलनी हो तो यहाँ से बदल सकते हैं हम ऑब्जेक्ट की, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी दिखाएगा, ठीक है। तरह तरह के ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने किस तरह से काम करने हैं डिटेल में, तो ये सारा का सारा हम करेंगे नेक्स्ट जब टूल बॉक्स का काम आएगा ना, टूल बॉक्स के अंदर इन टूल से किस तरह से हमने काम करना है, ठीक है, तब करेंगे। फिलहाल समझने के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की यहाँ पे आएंगी हमारी प्रॉपर्टीज, ठीक है। और प्रॉपर्टीज के अंदर क्या क्या होगा ऑब्जेक्ट का, वो जैसे हम काम करेंगे ना लोगोस बनाने का, तब आपको समझ आ जाएगा कि कैसे कैसे इनसे काम लेना है। तो ये है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बार। अब इसके बाद बात करते हैं हम टूल बार की। टूल बार क्या है? द स्टैंडर्ड टूल बार कंटेन शॉर्टकट्स और बेसिक मेनू सच एज ओपन, न्यू, सेव एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट। अब ये जो स्टैंडर्ड टूल बार है वो कंटेन करती है, जैसे मेनू के जो ऑप्शन होते हैं ना उसके अंदर होते हैं, मेनू के अंदर, उनको बाहर ही रखा होता है, जैसे ओपन है, न्यू है, सेव है, प्रिंटिंग है, डॉक्यूमेंट है। मान लो मेनू के अंदर नहीं जाना है, हमने बाहर से कमांड को यूज कर लेना है, तो उसके लिए टूल बार बना हुआ है, इसको बोल रहे हैं हम टूल बार। ये जो ऊपर नजर आ रहा है, ठीक है, ये टूल बार है। मान लो यहाँ से हमने नया डॉक्यूमेंट लेना है, यहाँ पे न्यू पे जाना अंदर ना मेनू के अंदर, यहाँ से ओपन, प्रिंटिंग, सेव, बहुत सारी ऑप्शन जो है बाहर ही दी हुई है, इसको हम बोल रहे हैं टूल बार। और बहुत सारी ऑप्शन हम इसके अंदर ऐड भी कर सकते हैं टूल बार के अंदर, ठीक है। ये ऊपर टाइटल बार, ये मेनू बार आ गई, ठीक है, और ये प्रॉपर्टी बार आ गई यहाँ पे, और ये अब आपके लिए आई टूल बार, ठीक है, स्टैंडर्ड टूल बार। प्रॉपर्टीज बार ये है ऑब्जेक्ट की आधी प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी दिखाई देती हैं, ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज है, उसकी एक्स वाई एक्सिस पे क्या पोजीशन है, ठीक है, उसका उसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटिंग्स हैं, उसकी पोजीशन के लिए सेटिंग है, उसकी जो हाइट है, विड्थ है, कैसे सेट करनी है, ये प्रॉपर्टीज बार के साथ यहाँ पे भी काम करती है, इसकी प्रॉपर्टी बार है, ठीक है। अब बात करते हैं रूलर की। द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बार डिटरमिन द साइज एंड पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये जो रूलर है, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार डिटरमिन द साइज एंड पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो रूलर होता है ना, पैमाना जो होता है, पैमाना बोलते हैं, जैसे एमएस वर्ड के अंदर भी होता है, ठीक है, चारों तरफ को बना होता है रूलर बार। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है जो ऑब्जेक्ट की जो साइज और पोजिशन है उसको दिखाता है, जैसे ये है ना ऑब्जेक्ट, ये देखो ये ऊपर, ये जो है ना ऊपर, ये मूवमेंट, ये पैमाना है दिखा रहा है, ये पेज का साइज भी दिखा रहा है, और पेज का साइज जैसे हमने इंचिस में लिया तो इंचिस में दिखाई दे रहा है, 0 to 8 यहाँ तक, ठीक है, और ये पैमाना दिखा भी रहा है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे है, ठीक है। अगर मान लो हमने ऑब्जेक्ट को मूव करना है, उसकी मूवमेंट के लिए उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है, ये ऊपर हॉरिजॉन्टल है और ये इसको हम वर्टिकल बोलेंगे, ठीक है, ये वर्टिकल पोजीशन दिखा रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ये मूव हो रहा है हमारा पॉइंटर जो है ये, ठीक है। तो ये है इसकी रूलर बार। उसके बाद बात करते हैं टूल बॉक्स की। द टूल बॉक्स कंटेन डिफरेंट टूल्स फॉर क्रिएटिंग, फिलिंग एंड मॉडिफाइंग ऑब्जेक्ट। अब जो टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ, इसके अंदर टूल्स हैं क्रिएट करने के लिए, फिल करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये टूल बॉक्स इसका, इसके अंदर तरह तरह के टूल्स हैं, इन्हीं टूल्स से हम काम करते हैं, उनको बनाने का काम, जो लोगोस बनते हैं, एनिमेशन बनते हैं, ठीक है, इन्हीं से बनाते हैं, इन्हीं ऑब्जेक्ट से। ये अंदर टूल्स हैं, जैसे पिक कर रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपको मैंने चीज़ बता दी, इसके अंदर टूल हैं और पूरा का पूरा क्या है, ये टूल बॉक्स, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं हम ड्राइंग विंडो की। इट इंक्लूड द डॉक्यूमेंट पेज एंड सराउंडिंग एरिया। अब ये जो ड्राइंग विंडो है ये इंक्लूड करती है डॉक्यूमेंट का जो पेज है, जिस पेज के ऊपर हमने काम करना है, और तथा जो सराउंडिंग एरिया, उसके चारों तरफ का जो एरिया है वो ड्राइंग विंडो, ये है ड्राइंग विंडो, ये पूरा का पूरा जो व्हाइट सा पोर्शन है ना, और ये कंटेन कर रहा है हमारा डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, पूरी की पूरी है ड्राइंग विंडो, ड्राइंग विंडो या ड्राइंग पेज बोलेंगे इसको, ड्राइंग विंडो बोलेंगे, ठीक है, और ये है इसका ड्राइंग पेज, ठीक है। तो ये ड्राइंग पेज ये है कि ड्राइंग पेज इज ए रेक्टेंगुलर एरिया इनसाइड द ड्राइंग विंडो वेयर वी शैल प्लेस द ऑब्जेक्ट्स। अब ये जो ड्राइंग पेज है ये ड्राइंग विंडो के अंदर है, जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, जिसके अंदर हम काम करेंगे, ठीक है, जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। अब उसके बाद बात करते हैं 9 नंबर पे आते हैं कलर पैलेट्स की आती है। इट कंटेन कलर स्वेचेस। अब हमारे पास आती है कलर पैलेट्स, ये है कलर पैलेट्स यहाँ पे राइट साइड, ये कंटेन करेगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स, ठीक है, तरह तरह के, जो हमने सी एम वाई के पैलेट वहाँ पे सिलेक्ट किया था वही आ रहा है, हम चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे इसको, हमारे पास तरह तरह के आ जाएंगे इसके अंदर भी, तरह तरह की सेटिंग्स हैं इसके लिए भी,
कलर पैलेट्स की भी, आरजीबी पैलेट है, जैसे मर्जी हमने कलर्स लेने हैं, ठीक है। तो ये हमारी कलर पैलेट्स बोलेंगे इनको, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स अवेलेबल रहेंगे ऑब्जेक्ट के लिए। स्टेटस बार, इट विल डिस्प्ले द स्टेटस ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज इट्स टाइप, साइज, कलर। अब ये जो स्टेटस बार है ना, ये डिस्प्ले करेगा ऑब्जेक्ट का स्टेटस। इट विल डिस्प्ले द स्टेटस ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज इट्स साइज, इट्स टाइप, साइज और उसका कलर एक्सेट्रा। उसका टाइप क्या है, उसका साइज क्या है, उसका कलर क्या है, ये इसको डिस्प्ले करेगा। ये देखो ये ऑब्जेक्ट है और ये है इसके नीचे ठीक इसका स्टेटस बार। ये ऑब्जेक्ट का कलर भी दिखा रहा है, क्या इसमें यूज किया हमने, कौन सी ये हमने ली हुई एलिप्सिस बोल रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये है इसकी स्टेटस बार, इसका स्टेटस दिखा रही है ऑब्जेक्ट का, ओके। तो स्टेटस बार भी क्लियर हो गया, टाइटल बार, मेनू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है, प्रॉपर्टी बार इसकी, ये स्वेचेज हो गए, कलर स्वेचेज हैं सारे के सारे, टूल बॉक्स हो गया, इसके अंदर टूल्स हैं, ये नीचे इसका स्टेटस बार है, ठीक है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट नेविगेटर की। द डॉक्यूमेंट नेविगेटर विल हैव टू ऐड डॉक्यूमेंट्स एंड मूव फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। द डॉक्यूमेंट नेविगेटर जो होते हैं वो हेल्प करेंगे हमारी डॉक्यूमेंट को ऐड करने में और एक पेज से दूसरे पेज को मूव करने में। अब देखो ये नीचे डॉक्यूमेंट नेविगेटर, पहले तो हम पेज बना लेते हैं, तब ये इनको बोलते हैं नेविगेटर, एक पेज से दूसरे पेज करते हैं, जैसे गानों को भी आगे पीछे करने का काम करते हैं, बनाते हैं नेक्स्ट और नेक्स्ट बटन और प्रीवियस बटन बने थे, वैसे नेविगेटर है नेविगेशन का काम। एक पेज है अभी हमारे पास ये जो बना हुआ है, नया पेज बनाना हो जैसे एक्सेल में बनाते हैं हम टैब्स बनाते हैं, यहाँ पे क्लिक किया, दिस इज द सेकंड पेज, ठीक है, ये सेकंड पेज आ गया और ये नेविगेटर दिखा रहा है आगे पीछे जाने के लिए पेजेस के ऊपर, ठीक है, ये सेकंड पेज पे। इस तरह से हम यहाँ पे पेजेस बना सकते हैं और भी, और नेविगेटर से इनको आगे पीछे कर सकते हैं, नेविगेशन ऑब्जेक्ट की नेविगेशन, नेविगेटर, ठीक है, ये इसका नेविगेटर। तो ये था हमारे जो कंपोनेंट्स है कोरल ड्रॉ के, जिनसे हम काम करेंगे लोगोस बनाने का, एनिमेशंस बनाने का। तो ये उनके लिए एक आपके लिए इंट्रोडक्शन हो गई। ये मैं आपको मैंने आपको इसका एनवायरनमेंट भी दिखा दिया कोरल ड्रॉ का, जहाँ पे हम काम करेंगे, ठीक है। थोड़ी बहुत सी जो जानकारी मैंने आपको दी, आई होप आपको ये समझ आई होगी। कल हम फिर नए टॉपिक से शुरू करेंगे, अगला जो भी कॉन्सेप्ट है इसका उसको शुरू करेंगे, एक एक करके इन चीज़ों को सीखेंगे भी प्रैक्टिकली। तब तक आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।